आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के आयोजक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली, अध्यक्ष श्री चक्रेश जैन, मैनेजर पुनीत जैन। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो अजितनाथ भगवान की जय, बोलो सम्भवनाथ भगवान की जय, बोलो अभिनंदन भगवान की जय, बोलो पदम प्रभु भगवान की जय, बोलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो चंद प्रभु भगवान की जय, बोलो 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 जय, बोलो पुष्प दंत भगवान जय, बोलो शीतलनाथ भगवान की जय, बोलो श्रेयसनाथ भगवान की जय, बोलो वासुपूज्य भगवान की जय, बोलो विमलनाथ भगवान की जय, बोलो भगवान की जय, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलो सुमन सागर जी महाराज की जय, बोलो शनमशेखर जी महाराज की जय, बोलो अतिवीर महाराज की जय, बोलो ओम रिम धम तेजपंग भगवान हष्टमन पीठे तिष्ठ तिष्ठ। हाथ लगा दीजिए भगवान को, हाँ बोले हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब त्रिपुर जय शब्द कलमान जगे प्राप्त अर्घ्यम निर्वापामी। हाथ जोड़ लीजिए, कलश रख दीजिए, भगवान को देखिए, आपके भगवान बैठे हैं। कर्म प्रबंध निगेटरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादिदेव तम स्वीय कल्मषोन्मते नाय देव शुद्ध उदकैरपि नयामि नहाभिषेकम्। कलश लीजिए, ध्यान रखिएगा, शांति धारा भी उसी जल से होना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झ्वीं 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 धां धां ह्रीं ह्रीं रवे रवे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जले न विशेषयामि स्वाहा। बस रख लीजिए, थोड़ा रख लीजिए आप, और पूरी भावना के साथ आज की तिथि का स्मरण करते हुए माता जी चतुकलश अभिषेक, चतुकलश अभिषेक। इष्टैर् मनोरथ सतैरिव भाव्य पुंसा पुणे सुवर्ण कलशे निकलैर्वसाने संसार सागर विलंगन हेतु सेतु अप्लावयति भुवनैकपतिं जिनेन्द्रम्। जी जी कलश धारा कीजिए, धारा, हाँ माता जी बोल बोल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बं बं हं हं सं सं तं बं 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 झं झं झिं झिं छिं छिं रां रां धीं धीं द्रवे द्रवे। ओम नमः अर्थे भवते श्रीमते पवित्रेण चतुष्कलशाकरोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालासन्तं श्रीविश्वादिविरञ्जितमहिन्दिदङ्गपरं देवमाद्यनमदे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे दिल्लीप्रान्ते लालमन्दिरे समोष सहस्रनाम प्रधान मंडपे परम पूज्य आचार्य अद्वीजी महाराज सानिध्ये परम पूज्य गणनीयारिका जन्मति माता जी सानिध्ये मार्समत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्लपक्ष चतुर्दश्याम गुरुवासरे, हाँ सकल श्रेयार्थम जले न विसेचयामीति स्वाहा। बस उदक चंदन तंडुल पुष्पिकै शरसुदीर्णपामीति स्वाहा। बस भैया 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 एक ही जगह अब शानदार करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य आचार्य श्री, सभी कलशों में जल पूरा भर लो ताकि बीच में दिक्कत ना हो। नहीं मजीब हो गया, पूरा है, पूरा भरा हुआ, रुकना पड़ेगा, बिल्कुल रुक गए।
हम रुके में दो चार मिनट रुके, आप कर लो अपना काम। नमो लोय सब साहूणम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्ण तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पर्ण तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामी अरिहंते शरणम पवज्जामी सिद्धे शरणम पवज्जामी साहू शरणम पवज्जामी केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवज्जामी। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृच्छ द्रोद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूं ह्रूं ह्रः सी औसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु। ओम ह्रूं छूं फट किरीटिम किरीटिम घातय घातय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छक्ष हुम फट सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं असि औसा अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणं रों सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम आह्रां सी ह्रीं आहुरूं ओरों रासक जगदपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतरु सत्प्रातिहारे मंडिताय अशोकतरु सत्प्रातिहारे शोभन पद प्रदाय हम लवरीम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय सर्वपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हम लवरीम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय मम लवरीम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय चामरोजल सत्प्रातिहार्य मंडिताय चामरोजल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय रम लवरीम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय घम लवरीम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय झम लवरीम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभी सत्प्रातिहार्य मंडिताय दुंदुभी सत्प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय सम लवरीम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम गुरु गुरु। ओम रीम श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य ओम रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम। तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज्य गेह पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद भवोपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवाणाम विनाशनम भवतु। देवादिदेव श्री शांतिनाथ जिनचरणे पार्श्वनाथ जिनचरणे चतुर्विशंघस्य देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य ग्रामस्य सर्व श्रावक श्रावकाणाम सब जीवानाम अभिषेक करता रहा अभिषेक दृष्टा रहा सर्वस्य शांति धारा करता रहा शांति दृष्टा रहा सर्वस्य परम पूज्य आचार्य सदवीर जी महाराज परम पूज्य गणनीय अर्घदमदी माता जी मंगल सानिध्य श्रावक श्रेष्ठ श्री आदित्य विकल्प मनीज मुल्तान चिराग जैन अक्षय जैन नरेंद्र रेखा शारदीरगंज संजय जैन पंकज जैन प्रतीक जैन हितेश जैन प्रवीण जैन रजत जैन तुषार जैन रुमजय जैन निशांत श्री अक्षय जैन अरिहंत जैन अभिषेक जैन अंकित जैन विपिन जैन विजय कुमार जैन सवरस्य नवीन जैन मुंदन माले अमित जैन पुनीत जैन लाल मंदिर सचिन जैन अरहम जैन
श्रीरस्तु सदास्तु शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। सब लोग कलश रख दो और हाथ जोड़ी भगवान पास के भगवान की नाम बोला जा रहा है। श्री अतुल जैन, आदित्य जैन, संजय जैन, मोनू जैन, तो तुम्हारे नाम की शांति धारा भगवान के मस्तक पे की जा रही है। थोड़ी सी शर्म आई नहीं आई? मैं रोज पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि तुम इतने महान हो गए कि तुम्हारा नाम बोलकर और तीर्थंकर के मस्तक पे शांति धारा करी जाए। इससे अच्छा तो मले का नाम यतीन्द्र सामल तपोधनानम दिशश राष्ट्रस्पुरस्राज्ञ करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान। एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुनो, ये सत्य घटना है। जय भैया, एक जगह बोली बस सब भगवान का मार्जन करके वापिस भेजना अपने को अभी बस। अब रख दीजिए आप छनली छनली छन्ना छन्ना लीजिए और मार्जन की गाजन बरी कसी बतवारे पाल ब्रह्मचारी लखिजन शिव दिए सन मुख दारे कृष्ण साई भगवाता को विनाश कार पूजो पद चित लाई पास पूज बस पूज पास पूज बस पूज तक जब पास से मंगाए माल प्रभु चारी लग जी सिद्धि सद पद पद जगकार तुम पद पद पचराई पास पूज बस पूज तनुज पद पास अवशेप त्याई पाद ब्रह्मचारी लग जिन को शिव जिन को शिव दिए सब मुख दिखाई ओ नमो मित्र भारत कारक तुम्हें ज जो से लगाई पास पोज बस पोज तनुज पद पास सब शेप त्याई पाल ब्रह्मचारी लग जिन को शिव दिए सब मुख दिखाई ओ च बिछाई तिम्र मोह नाशक तुम को लख जजो चरण अरसाई पास पूज बस पूज तनुज पद का सब सेव त्याई काल ब्रह्मचारी लख जिन को शिव दिए सब मुख दिखाई ओ जरमिए दुष्ट जंत उड़ाई पास पूज बस पूज तनुज पर वासव सेवत आई पाल ब्रह्मचारी लख जिन को शिव दिए सन मुख धाई ओम श्री महाबल दायक लख ब्रह्म पेट नरो कुछ गाई पास पूज बस पूज तनुज पर वासव सेवत आई पाल ब्रह्मचारी लख जिन को शिव दिए सन मुख धाई ओ शिवपति राग हेतु जीवन निकट धरो ये राई बस पूज बस पूज तनुज पद वासव सेवत आई पाल ब्रह्मचारी लख जिन को शिव दिए सन मुख धाई
कली चौबस पान जानो जग में जगदीश महानो हरि नहीं केवल आत्म जो है अनंत गुना कर स्वामी तो निर्माण कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनापुर स्वामी के चरम तंकर चरम सरी पावा पुर स्वामी मामी सिद्धि शत्रु जय कीर्ति सी भाव सहित बंदो निसदी जीवन भाग्य भुगति में गए आखि तोड़ी मुनि और राहु है श्री गज पंत से कर सुविशा दिल के चरण कवि जनंगा जी जो भी से हाँ Thank you.
अच्छा कि आत्मा के ऊपर कालुष्टा इतनी छा गई है, उसको दूर करने के लिए हमें तपस्या की आवश्यकता होती है। कोयले के समान हमारी आत्मा बनी हुई थी, उसको अगर हम तपाएंगे तो अवश्य हमारी आत्मा एक दिन सफेद बन सकती है। साधु समाधि, श्रावक सोचते हैं कि समाधि तो साधुओं की होती है, समाधि साधु करे, साधु के लिए है। नाम में उसका लिखा है साधु समाधि भावना, परंतु अगर एक बार गृहस्थ भी निरतिचार पूर्वक समाधि पूर्वक अगर मरण करता है तो श्रावक भी सातवें भव से मोक्ष जाता है। एक बार समाधि करने से, लेकिन समाधि कैसे करना, समाधि का अर्थ क्या होता है? सम माने समता, आदि माने सीमा। समता पूर्वक जितनी सीमा बनाते चले जाओगे उतनी समाधि आपकी बढ़ती हुई चली जाती है। हर चीज की सीमा बनाओ, कम से कम अंतर्मुहूर्त की समाधि कहा गया है वो ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष की समाधि दी जाती है। कितनी? उस 12 वर्ष के अंदर आप धीरे 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 इस शरीर को इस प्रकार से ढाल दो कि जाकर के अंत में आपकी शांति पूर्वक इस शरीर का आप त्याग कर सको। तो धीरे धीरे आप समता पूर्वक आधिमान्य सीमा बनाते हुए, आज ये त्याग है, कल वो त्याग है, ये त्याग है। हमारे सुरेश सागर जी महाराज कहा करते थे, कलकत्ता वाले जो सुरेश सागर जी महाराज कहते थे कि जिसको अगर दीक्षा लेनी हो तो घर में ही टीबी के मरीज बन जाओ तो आप दीक्षा ले सकते हो। टीबी का मरीज माने, आजकल तो बहुत सारे इलाज हैं, पहले टीबी को, कोड को, कैंसर आदि जैसी बीमारियों को क्या कहते थे? राज रोग कहते थे। किसको कहते थे? कुष्ठ रोग हो जाता था इसको राज रोग कहते थे, टीबी को राज रोग कहते थे। ऐसा टीबी महा दुखदायी रोग था, परंतु टीबी का मरीज धीरे 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 शरीर को छीण होकर के नष्ट हो जाता था। ऐसे उस टीबी के मरीज के लिए हमारे सुरसागर जी महाराज कहते थे घर में रह करके टीबी के मरीज बन जाओ तो आप दीक्षा शांति से ले सकोगे। टीबी का मरीज बने, आज चीनी का त्याग, आज दूध का त्याग, आज घी का त्याग, एक महीना चावल नहीं खाऊंगा, एक महीना मूंग की दाल का त्याग है, ऐसे तुम घर में त्यागे बनते चले जाओ। धीरे 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 सब घर वाले अपने आप समझ जाएंगे भाई आज नहीं तो कल इसको तो दीक्षा देनी देनी है। चाहे 12 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल के बाद देगा देखा देगा जरूर ये। ऐसे हमारी भावनाएं घर में अगर बन जाती है तो इस प्रकार की भावनाओं से हम उस साधु समाधि की भावना कर सकते हैं। धीरे धीरे त्याग करो, 12 वर्ष के लिए समाधि होती है। फिर आगे आया भैया व्रत, कौन सी आई? भैया वृत्ति को, भैया वृत्ति करने से क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और भैया वृत्ति कब होती है? जब हमारे अंदर किसी के प्रति वात्सल्य जागृत होता है। बिना वात्सल्य के, बिना प्रेम के भैया वृत्ति कर ही नहीं सकते हो, चाहे घर के हो चाहे साधु के हो। साधु क्या भी अगर हमारे वात्सल्य है, प्रेम है साधु के प्रति भी, तब उनकी सेवा करोगे, भैया वृत्ति करोगे, सब कुछ करोगे।
इसी प्रकार घर में भी अगर सास के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी है, प्रेम भाव है, ससुर के प्रति अच्छा है, तो क्या करोगे, उनकी आप सेवा कर सकोगे। अगर प्रेम नहीं है, अंदर से आपकी भावनाएं नहीं है, अनुराग नहीं है, तो आप किसी की भैया वृत्ति कर सकते नहीं है। इसलिए कहा है किसी रोग आ जाने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, साधु को क्या करना होता है, भोजन के समय औषधि दी जाती है। कल महाराज बताया था कृष्ण जी ने क्या किया, क्या किया कृष्ण जी ने, लड्डू बनवाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे ही घर में साधु का आहार हो, उन्हें पूरे नगर में द्वारका में लड्डू बंटवाए कि जहां भी साधु जाए उन्हें इस औषधि को देनी है और यह औषधि उनके इस लड्डू में जाएगी। तो क्या हुआ फिर उनको, क्या हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। ऐसी भैया वृत्ति हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है। और अरहंत भक्ति की भैया वृत्ति क्या करना होगा, अरहंतों के पैर दबा दो है, क्या करो, तेल बारिश कर दो अरहंतों के, क्या करना होगा, अरहंतों की भैया वृत्ति क्या करनी होगी, मंदिर को सजा दो, चौकी पाटा बनवा दो, चटाई नई दा दो, छमर चढ़ा दो, छतर चढ़ा दो, सिंहासन बना दो, बेदी बनवा दो, मंदिर बनवा दो, ये सब क्या चीज है, अरहंत भगवान की भैया वृत्ति है। कोई किस भावना से करता है, कोई किस भावना से करता है, अगर करता है तो जरूर अवश्य भैया वृत्ति का फल मिलेगा। और आप भी, हमारे यहाँ तो कहा है जो जितनी मंदिर और तिल जितनी प्रतिमा, कितनी, जो जितना मंदिर और तिल जितनी प्रतिमा अगर आप विराजमान करते हो तो आप भी एक दिन तीर्थंकर पद को प्राप्त करोगे। नियम है, बहुत जगह देखिए फीसन वाली का मंदिर बना हुआ है, चक्की पीस पीस कर करके और पैसा इकट्ठा किया और भगवान का मंदिर बना दिया। कहाँ देखा आपने, देखा भाई, सोनागिरी में है, पपोरा जी में है, बहुत जगह मिलेंगे आपको। ऐसी भैया वृत्ति अरहंत भगवान की। फिर आचार्य भक्ति, आचार्यों की सेवा करिए, आहार दान दीजिए, जो जिसके जैसा है उनकी उस रूप से भैया वृत्ति करो। भगवान को टेढ़ मारिश नहीं कर सकते, लेकिन आचार्य की तो कर सकते हो। ऐसी भैया वृत्ति करके उनकी हमारी पुण्य की प्राप्ति करें। बहुसुत भक्ति, बहुसुत माने शास्त्र, शास्त्र जिनवाणी की भक्ति करो, बेस्तन चढ़ाओ, आदमारी बनवाओ, सोलह कारण की पूजा में सोलह पूजाएं हैं, लास्ट की पूजा में जिनवाणी के लिए कहा गया है, कैसी चौकी बनवाओ, कैसा बेस्तन लाओ, कैसी आलमारी बनवाओ जिसमें सेब ना पहुंचे, पानी का अंश न जाए, ऐसी आलमारी भगवान के जिनवाणी के लिए बनवा करके जिनवाणी विराजमान करो। कैसे लाओ मस्तक पे रख करके, कैसी चौकी पे विराजमान करो, कैसे गद्दी बिछा करके बैठो। आज तो सोते सोते बिस्तर में समाचार पढ़ते हैं और नींद आ गई तो करवट के पीछे पुस्तक हमारी आती रही जाती रही, सोचिए क्या पुण्य होगा हमें। ऐसी हमारी बहुसुत भक्ति भावना में लिखा है। फिर प्रवचन भक्ति भावना, भगवान की भक्ति करते हुए गुरुओं के प्रवचन सुनो, मार्ग प्रभावना करो, धर्म की वृद्धि करो, इससे क्या होगा, हम पुण्य का लाभ प्राप्त करेंगे। फिर आवश्यक भावना आती है छह, कौन सी आवश्यक भावना है बोलो, साधु की आवश्यक कौन कौन सी है, सबको याद होगा, बोलो साधु के कौन कौन से आवश्यक है, साधु के से आवश्यक होते ना, हाँ बोलो कौन कौन से है, क्या है, ये तो श्रावक के हैं, तो श्रावक के बोलो तुम, हाँ कितना करते हो रोज, रोज कितना करते हो, छह में से
आवश्यक कार्य क्या होता है? नियम से करना आवश्यक कहलाता है। तो छह काम नियम से करना होता है। साधु को भी आवश्यक भावनाएं, साधु के लिए भी छह भावनाएं होती हैं। समता धर वंदना करे, स्तुति करे, प्रतिक्रम करे, स्वाध्याय करे, कायस्वर करे, ये साधु का काम है। छह आवश्यक साधु पालन करते हैं, लेकिन श्रावक क्या करते हैं पता नहीं। तो आवश्यक भावनाएं, अवश्य आवश्यक का नाम ही है आवश्यक, नियम से करना होता है। इसके पश्चात वात्सल्य, वात्सल्य कैसे होता है? गो बछड़े के समान। जिस प्रकार बच्चा गाय का घर पे रहता है और गाय जंगल से चर के आती है तो रास्ते से ही बोलना शुरू करती है कि मेरा घर आ गया है, मेरा बच्चा मुझे मिलेगा। इसके पश्चात मालिक जब दूध निकालता है तो भी वो पूरा दूध देती नहीं है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए संभाल के रखती है। किसके लिए? आप अपने बच्चों को बड़े क्यों करते हो? क्यों करते हो? बड़े कर पढ़ाते हो, लिखाते हो, सब कुछ करते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, खाना खिलाते हो, काहे के लिए? बोले बुढ़ापे में सहारा होगा, इसलिए करते हो। वो गाय ये नहीं सोचती कि बुढ़ापे में मेरा सहारा है ये। कभी देखा एक एक चिड़िया आपके आंगन में आती है और एक एक दाना उठा करके अपने बच्चे के मुंह में देती रहती है, स्वयं नहीं खाती वो। पंख आए चला गया, उठ के वो कहाँ रहा तुम्हारे पास? फिर भी वो वात्सल्य से बच्चे को बड़ी करती है। इसी प्रकार से हम भी बच्चों को बड़े करते हैं वात्सल्य पूर्वक। जैसे हम हमारे बच्चे के लिए वात्सल्य करते हैं, ऐसे गुरुओं के लिए भी वात्सल्य पूर्वक साधु को आहार दान दो, भक्ति करो, उपासना करो। ये सारी चीज़ें क्या होगा? वात्सल्य से भी हमें चिट्ठंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसे सोलह कारण भावनाओं को भाते हुए हम अपने जीवन को सार्थक करें, इसी के द्वारा अपना कल्याण होगा। जब तक सोलह कारण भावनाएं नहीं है तीर्थंकर तो बन ही नहीं सकते हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं तीर्थंकर, तीर्थंकर तो चौबीस ही होते हैं। तीर्थंकर तो गिनती के होते हैं, तो आज ही चौबीस तो हो चुकी हमारी और अगली चौबीस का नाम आ गया, उसमें आपका कोई नाम है नहीं। तो अब सोचो अग्नि चौबीस, उसके बाद जो अठारह कोटा कोटि सागर के बाद आएगी उसमें कम से कम नाम हमारा आ जाए। ऐसी भावना करते हुए हम अपने जीवन को कल्याण मार्ग में लगाएं, ताकि हम उस भावना से हम उस अग्नि चौबीस के अंदर उस सार्थक कार्य कर लें। इसीलिए सभी को यही भावना करके अपने जीवन को कल्याण करना है। बोले बस लक्षण है पर वह की पूज्य मजदार जिने सर के तो बपार लगे गुणस्थान वस्त्रन में सष्टम नहीं होता जिन वाणी हो इंद्रगंध षष्ठ को पाया दसम चढ़े बन गुरु ज्ञानी अंतर बाहिर सकल चरंत ईस बने निर्गंतों के निर्गंते सा ना पड़ी है खेओ तो बपार लगे प्रशांत आशा से जिन भर बौद्ध बौद्ध धन आश्चर्य सर परिग्रह छाण किसी भर आशा भर को ओढ़ रहे नग्न अंबर परम निगंबर पूछे आप पतवार बने नाम पड़ी मजधार खिवैया खेओ तो बपान लगे जो मूला प्राण ग्यारवा संत कहा तजा जो किंचित होय अकिंचन निष्कंचन तब नाम पड़ा सूरी निगंता आप महंता पूजे आप पतवार बने नाम पड़ी मजदार की भैया के हो तो पार लगे श्री विहार अरूप देशा मृद इच्छा रहित सभी जिनका जन्म मरण महाकांक्षा नाही हत आसान से निराशंसा आसान जिनकी चरण दास है पूज आप पतवार बने ना पड़ी मजदार जिने सर के हो तो बपार लगे जनपद शुद्ध मद अवध युधारे मन पर जय दीक्षा प्रतिपात ज्ञान आवरण उघारे बोध सूर्य की बल प्रगटाए पंच ज्ञान वर धार जिने सा ज्ञान सब जो मम पतवार तारो तारो अहो जिने स्वर नाप खड़ी है मम मजदार ज्ञान चक्षु
शायक समकित भाषण से ही दर्शन मोह नशा अंधियार चारित मोह की श्यामल सारवल जटाख्या चारित से हार चारि भांतियां कर्म नसाई मुक्त मोह चतुष्टे दा नत अमो मुह माजी तारो ना पड़ी है ममजदार मारदंड सी सहज रश्मिया तेज राशिमय बिखर रही देह उदार एक परम उदारा दीप्त सूर्य सम निखर रही तेजो राशि गुण अनंत से पूज आप पतवार बने ना पड़ी मजदार जने स्वर के तो बपार लगे ओज अनंत शिव पुर गंदा धैर्य अनंत श्री भगवान सोम सुशीला शीतल शुक्रा सर्व देह नभाश्वान नाम अनंत ओज मनो क्या भव जी पतवार बने ना पड़ी मजदार जने स्वर के हो तो बपार लगे ज्ञान सिंधु जिन आप हो त्यों जग जानो साथ नाम ज्ञानाब्दि को नमो पाओ पूर्ण प्रकाश अर्धश शील सहज धर स्वामी अनुपम शाश्वत पद विश्राम शील सुसागर शीश नमाओ चरण कमल में शीश नमाओ आवा मंडल पूर्ण है तेजोमय अभिराम दर्श ज्ञानमय केज को पुन पुन करो प्रणाम मित मित जे जो अमित बने केवल ज्योति नमित अमित ज्योति जिन राज को नमो नमो गुण से तेजस रास जो पुंज हो ज्योति मूर्ति गुण धाम मोह मातम दलन को पूजो आठो याम गुरु जुमाव सर्वरी सहसा रश्मि सुदूर मोह मातम नाश कर हुए तपो पहदूर यह जगत जीव आदि छह द्रव्यों से रचा उत्पाद वैर दोप परिवर्तन सदा जगत सुश्रेष्ठ चूड़ा मणि आप एक हैं तुम पूजते सुचक्र देव मात एक जग कोटि सूर्य चंद्र छवि लाज रही है यह दीप देव की प्रभा सुभास रही है
सच रहे। अब पता चलेगा इंद्रदेव, ये देखो ऊपर आया सूरज देव। भैया 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 ओम रीम धर्मनाथ होने पर तिष्ठ
भगवान को राजदान किया है। एक मिनट बाबा जी, बच्चों को अभी बेटा भी रख लो, अभी चलो शब्दों भी अब चर्चा हो रही है कि जैसा इस बार लाल मंदिर का रूप निकल के आया है, वैसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया है। इसलिए बहुत बहुत बधाई सबके लिए, बहुत बहुत सौभाग्य हमारा। जैन परंपरा का यहाँ हम ये कार्य कर रहे हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का धर्म अंतिम धर्म वाला है। हमारे बीच में कुछ फॉरनर्स भी हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जैन दर्शन का यह विशेष पर्व है जो हमारी आत्मशोधन के लिए, हमारे इंटरियर जो हमारे स्वाहा।
आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।